वेलकम गाइस। तो मैंने एक वीडियो पिलचरी फॉन्ट के बारे में बताई थी, जिसमें मैंने आपको उनकी फॉन्ट इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना बताया था। मैंने उस वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो मंगल फॉन्ट के बारे में होने वाली है। तो आज मैं मंगल फॉन्ट डाउनलोड करने वाला हूँ और आपके सिस्टम में इंस्टॉल भी करने वाला हूँ। चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए तो मंगल फॉन्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके आ जाएंगे इस वाली साइट पर। तो यह साइट मैंने ब्लॉगर पे बनाई है। तो आगे मैं ब्लॉगर पर साइट किस तरीके से बना सकते हैं, आप ब्लॉग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उस पर वीडियो आने वाली है। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं मंगल फॉन्ट को। यहाँ पर लिखा है सिंपली डाउनलोड मंगल फॉन्ट। यहाँ पर मंगल फॉन्ट डाउनलोड विंडोज 7, 8, 10, यानी कि सभी विंडोज के लिए। आपके पास कोई भी विंडो हो, विंडोज 10, 7, 8 और एक्सपी के भी लिए। सॉरी, इसमें एक्सपी लिखा नहीं है, लेकिन एक्सपी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग एक्सपी विंडो चलाते नहीं हैं, तो इसलिए लिखना मैं भूल गया। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। नीचे डाउनलोड ये लिखा है, डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे। आपको यहाँ पर 56.82 MB का डाउनलोड है, तो सिंपली आप डाउनलोड कर क्लिक करेंगे, आप ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगे। यहाँ पर मैं डाउनलोड पहले से कर रखा है मैंने, तो चलिए मैं इंस्टॉल करना बता दे रहा हूँ आपको। तो सिंपली आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे इस तरीके से आपको आ जाएगा। मंगल फॉन्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है विनर सॉफ्टवेयर। तो बिनर की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मंगल फॉन्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सटे हेयर कर लेना है। एक्सटे करने के बाद इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो यहां पर आपको हिंदी इनपुट, विंडो 8 बिट 64 इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगी। अब आपको यह पता करना है कि आपके सिस्टम में कौन सी विंडो डली है और कौन सी बीट है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको पता करना है। सिंपली आपको यहाँ पे मिनिमाइज करना है और यहाँ पर आपको इस पे कंप्यूटर पे आ जाना है और यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देख लेना है। प्रॉपर्टीज देखने के बाद यहाँ पर आप विंडोज 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर विंडोज 7 और यहाँ पर सिस्टम टाइप 64 बिट। तो यहाँ पर मेरा सिस्टम है विंडोज 7 बीट है हमारी 64। तो यहाँ पर मैं 64 का मंगल फॉन्ट इंस्टॉल करूँगा या इनपुट इंस्टॉल करूँगा। तो क्लोज कर दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ से मुझे चाहिए विंडोज 7 64 बीट। कौन सी है मेरी 64? अगर आपको 32 है तो ये वाली, अगर आपको 10 विंडो है तो इनमें से कोई भी, ठीक है। या तो आप विंडो 10 32 बीट होगी या 64 बीट, इनमें से कोई भी। तो मेरे पास 7 चला रहा हूँ मैं, ऐसे ही आप जब डबल क्लिक करेंगे तो आपको इसको विजार्ड कर लेना है, विजार्ड और फिनिश। तो फिनिश करने में इस तरीके से आपको आ जाएगा ये। तो यहाँ पर डबल क्लिक और हिंदी इनपुट को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर ये रहा फिनिश, क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो रिपेयर मांग रहा है आपके में, डायरेक्ट रिपेयर नहीं, नेक्स्ट मांगेगा। तो आप नेक्स्ट कर देना, इसको फिनिश कर देना हूँ सीधा सीधा। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको इसको क्लोज करने देना है यहाँ पर। अब आइए मंगल फॉन्ट दिखाई दे रहा है ये, तो इसको आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल और यस, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको भी क्लोज कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद आपको एक काम करना है कि यहाँ पर स्टार्ट बटन पर जाके कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल जाने के बाद यहाँ पे क्लॉक एंड लैंग्वेज पे चले जाना है और चेंज कीबोर्ड आउट अदर इनपुट मॉडल, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है और चेंज कीबोर्ड पे आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ से ऐड लैंग्वेज करना है। मेरे पास पहले से ऐड है लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक करना है। मैं पूरा बता दे रहा हूँ किस तरीके से। और सिंपली आपको हिंदी पर आ जाना है, ये आपको हिंदी, और यहाँ पर आपको ये हिंदी इनपुट 2 या 2 होगा आपके, 1 होगा या 3 होगा, ठीक है, वो आपके विंडो के हिसाब से होगा। तो हिंदी इंडिक आपको ध्यान रखना है,
हिंदी इंडेक्स पे आपको राइट क्लिक आ जाए और इसको आपको ओके कर देना है और अप्लाई करके ओके कर देना है। जैसे आप ये सब चीज़ें करोगे तो यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर EN मेरा आने लगेगा अभी। जैसे मैं वर्ड खोलता हूँ तो यहाँ पर EN मेरा शो होने लगा है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मंगल फॉन्ट लगाना है, यहाँ से आपको नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और हिंदी तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। इसको आपको क्लिक करके शो द लैंग्वेज बार यहाँ से क्लिक करके ये छोटा सा तीर दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है कीबोर्ड। यहाँ पर रिमेनिंग गैल, यहाँ पर रिमेनिंग के लिए आपको करना है मंगल के लिए रिमेनिंग गैल चाहिए आपको, तो यहाँ पर रिमेनिंग गैल आपको कर लेना है और मिनिमाइज कर लेना इसको, ठीक है। अब आप यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे हिंदी, मैंने हिंदी कर दिया, देखिए यहाँ पे मंगल फॉन्ट ऑटोमेटिक लिख के आने लगा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी चीज़, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखो यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ पर हमारा मंगल फॉन्ट। तो मैं इसको आपको गूगल पे भी चला के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं मंगल फॉन्ट। तो चलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट चला दे रहा हूँ। जैसे आपको क्या ढूंढना है कोई भी, अरे यहाँ पर आपको पहले गूगल आपको यहाँ पे पहले गूगल सर्च कर लो, पहले आपको यहाँ से हिंदी हटा देना है और यहाँ पे गूगल सर्च कर लेना है गूगल। जैसे गूगल आपका आ जाएगा यहाँ पे आप हिंदी लिख सकती हो, आप यहाँ से हिंदी लगा लेना या फिर अल्ट शिफ्ट दबा देना है आपको डायरेक्ट। देखो अल्ट शिफ्ट दबा दे यहाँ से EN हट गया, फिर दबाओगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी चीज़ हिंदी में। देखो मैं लिख रहा हूँ आप कौन हो या कुछ भी हो, या आप कोई भी सॉन्ग हिंदी में निकाल सकते हो। जैसे मेरे मेरे जीवन साथी या कुछ भी, मतलब जैसे आप हिंदी में सर्च करना चाहते हो कर सकते हो जीवन साथी। तो मैंने कर दिया और एंटर दबा दिया। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है वो आ चुकी है, वीडियो वगैरह जो मिलती है उससे संबंधित आ जाएगी आपको ऑटोमेटिक हिंदी में। तो चलिए यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।